सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहकर उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन मोमोज बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए आज हम देखते हैं कि चिकन मोमोज बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक जो कटोरी है या एक बाउल, हमने चिकन का कीमा लिया है। इसके साथ मैंने दो आलू लेकर इनको मैश कर लिया है बॉईल करने के बाद। आलू ऑप्शनल हैं, जिस तरह मैंने आलू ऐड किए आप इस तरह कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने एक दरमियानी साइज की बड़ी प्याज जो ली है और उसको कट कर लिया है। इसके बाद मैंने मैदा लिया है, आप एक कटोरी में देख सकते हैं कि मैंने एक बाउल भरकर जो है वो मैदे का लिया है। इसके साथ ऑयल 2 खाने के चम्मच। इस मैदे से जो हमने मोमोज बनाने हैं, जो इसका आटा है वो गूंदना है। इसके बाद सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक हसबे जायका या हसबे ज़रूरत 1/2 चम्मच, 1/4 टेबल स्पून हमने हल्दी इस्तेमाल करनी है, 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला इस्तेमाल करना है, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, हरी मिर्चें 2 से 3 कटी हुई बारीक, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में थोड़ा सा धनिया। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले कीमे को पकाना है हमने। जब तक हमने कीमे को पकाना है बाकी चीजें जो है वो मैं सारी साइड पे कर लेती हूँ। ये मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैं ये चिकन जो है अपना वो चिकन जो है वो मैं डालूंगी। इसके साथ सारे मसाले, मिर्चें, नमक, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा भी थोड़ा सा हम आलू के साथ शामिल करेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट और इसके साथ जो है वो प्याज हम डाल देंगे और साथ में मैं 1 कप जो है वो पानी शामिल करूंगी। अब मैं 1 कप जो है इसमें पानी शामिल करके इसको पकने के लिए चूल्हे पर रख दूंगी। हरी मिर्चें और जो हरा धनिया है ये हम जब सारी डो रेडी करेंगे उसमें शामिल करेंगे। चलिए अब हम इसको चूल्हे पर पकने के लिए रखते हैं। ये देखें, अब मैंने इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा चिकन का कीमा जो है वो गलेगा हम इसमें बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि हमारा आलू रहता है और गरम मसाला, वो हम इसमें शामिल करेंगे और साथ में हरी मिर्चें। अब मैं इसको ढांक कर रख दूंगी पकने के लिए। अब हमने इसको पकने के लिए रख दिया। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा हम इसमें ऑयल डालकर थोड़ा सा इसको भून लेंगे ताकि स्मेल ना आए। चलिए अब जब तक हमारा चिकन पक रहा है मैं इसके साथ जो है अपनी डो को रेडी कर लूंगी। डो के लिए आपने क्या करना है, ये मैदा जो है वो हम इसके अंदर डाल लेंगे। एक चुटकी के करीब हमने नमक लिया है, थोड़ा सा जीरा साबुत, थोड़ा सा बिल्कुल मैंने लिया है। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके सेंटर में जो है मैं ऑयल डाल दूंगी, 2 चम्मच जो हमने लिए हैं खाने के। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी शामिल करूंगी और आटे को गूंदते जाएंगे। ना आटा आपने बहुत ज्यादा पतला गूंदना है ना बहुत ज्यादा सख्त, नॉर्मल सी आपने इसकी डो बना लेनी है। अब ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से जो है हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया गूंद के, और ये आप देख सकते हैं कि हाथों पर बिल्कुल नहीं चिपक रहा। और इस तरह से आपने इसका पेड़ा बनाकर रख लेना। हल्का सा हम इसको ऑयल कर लेंगे, घी या ऑयल जो भी आप लगाना चाहें, और
इसको जो है वो आप 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 15 मिनट के बाद हम फिलिंग के लिए इसको रेडी करेंगे। अच्छा जी, अब इसको 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका कैप, इसका ऑलमोस्ट जो पानी है वो खुशक हो चुका है। चिकन का जो कीमा होता है वो जल्दी गल जाता है, इसलिए आपने इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये कच्चा है, क्योंकि अभी इसने मजीद जो है वो पकना है ऑयल के अंदर जब ये फ्राई होंगे। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब ये जो मैंने घी ऐड कर दिया है, बस हल्का सा हमने इसमें ऐड करना है, आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो ऑयल शामिल कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब इसका पानी खुशक हो गया है, हम इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद आलू और इसको मिक्स करेंगे जब तक हम अपने पेड़े बना लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो चिकन है वो ठंडा हो चुका है, अब हमने इन सारे मिक्सर को क्या करना है, मिक्स करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो आटे वाला हमारा बर्तन था उसी को मैं इस्तेमाल करूंगी, ये आटे वाला ही हमने बर्तन ले लिया है। अब इसके अंदर ये सारे जो आलू है वो मैं, ये देखे मैंने उसी बर्तन में जो आलू ले लिए हैं, अब इसके अंदर जो मैं अपना सारा कीमा डाल दूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आलू है वो हमारे ऑप्शनल है, बचा हुआ गरम मसाला, कटी हुई हरी मिर्चें और इसके साथ ये सारा हरा धनिया। आलू मैंने इसलिए डाले थे कि सारे खुश होके खा लेते हैं, हमारे घर में तो बहुत पसंद करते हैं, बाकी आपने अपनी मर्जी से देख लेना। अब हम इसको क्या करेंगे, जो आटा गूंदा हुआ है उसके अंदर इसकी फिलिंग जो है वो ऐड करते जाएंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया, अब हम इसको फिलिंग करते हैं। अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा जो है वो भी बहुत सॉफ्ट है। अब हमने क्या करने हैं, आटे के पेड़ों की छोटी छोटी गोलियां करनी है, इतनी जो है हम गोलियां बना लेंगे। अच्छा, इसका साइज जो है वो अपने मुताबिक भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसी तरह अब मैं तमाम आटे की जो है वो गोलियां बना लूंगी, बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, अब मैंने आटे की जो है वो गोलियां बना ली हैं, बनाने के बाद ये आपके सामने। अब हमने क्या करना है, इनको बेलना है, इसको करते हम साइड पर। ये मैंने एक चकना बेलना ले लिया और इसके साथ ये प्लेट हमने यहाँ रखनी है, हल्का सा इसको आटा लगाएंगे। इस तरह से आपने इसको बेल बेल कर जो है वो साइड पे करते जाना है। अगला लेंगे, इस तरह मैं तमाम पेड़ों को जो है वो बेल लूंगी, बेलने के बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसको बेल दिया, बेलने के बाद आपने क्या करना है, 1 चम्मच जो है वो इसके अंदर फिलिंग रखनी है, कम या ज्यादा आपने अपनी मर्जी के मुताबिक कर लेनी है, और फिर आपने इसको ऐसे टर्न करना है और यहां से प्रेस कर देना है। अगर इनके हिसाब की नहीं जुड़ती तो ये पानी जिस तरह मैंने रखा हुआ है आपने इस तरह इसको पास पानी रख लेना है, लेकिन ये बहुत इजी तरीके से जो है हमारे जुड़ रहे हैं आपस में। इस तरह से जो है आपने इसकी फिलिंग करते जाना है और इसको साइड पे रखते जाना है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने इसकी शेप्स जो है वो बनाकर इसको रेडी कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको फ्राई करना है। ये देखें कि ऑयल गर्म हो चुका है, इसको मैंने पहले ही गर्म करने के लिए छोड़ दिया था, और अब हम इसके अंदर इस तरह से करके शामिल करते जाएंगे। और ये हमारे एक साइड तो ऑलमोस्ट डन हो गई है, एक साइड जो है अभी हमारी कच्ची है, हमने इसको करना, जो रेडी हो गए हम उनको निकाल लेंगे।
ये देखें व्यूअर्स, हमारे यमी चिकन मोमोज जो है वो रेडी हैं। इसको हमने सर्व किया है धनिया और पुदीने की चटनी के साथ। आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और साथ में आप इमली की चटनी भी बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, खस्ता और करारे बनते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।